Oh, hello, namaste, assalamu alaikum, sat sri akal, kim chok, kedo hal kaisa kai, and welcome to another video guys. Aur aaj hum baat karne wale hain too good ke bare mein. To guys, agar aap too good se kuch products, agar refurbished product agar aap mangwana chahte hain to please this video ko last tak dekhiye, kyunki isme bahut sari baatein aisi hone wali hain jo aapke bahut kaam mein aane wali hain. To is ghatiya se intro ke sath chaliye. प्लस की ऑर्डर किया था वो भी टू गुड से, तो वेरी गुड कंडीशन में मिला था जैसे कि आप देख ही सकते हैं. बहुत ही अच्छा फ़ोन लग रहा है. वन प्लस के बारे में तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता ही है वन प्लस कैसा है. बस मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ कि इस फ़ोन का कंडीशन कैसा है, क्योंकि कई लोगों का जो क्वेश्चन होता है क्या कैसा कंडीशन में आएगा फ़ोन, सेकेंड हैंड है, रिफर्बिश्ड है, तो किस तरह की क्वालिटी में आएगा वो फोन. तो गाइस मैंने 60 डेज इस्तेमाल किया इसको, इस फोन को स्क्रैच पूरा तरह से क्लीन है, कोई स्क्रैच तो आया ही नहीं है. मुझे नहीं पता, मे बी आई एम लकी, बट ये वेरी गुड कंडीशन में आया था और विदाउट एनी स्क्रैच, सिंगल क्रैच कुछ भी नहीं है. और आप देख सकते हैं, पता नहीं वीडियो की लाइट की वजह से शायद थोड़ा सा धुंधला हो जाए, मगर ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में आया है और मैं 60 डेज से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, नया जैसा ही है. तो क्वालिटी के बारे में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं लगा कि ये क्वालिटी की तरफ से देखा जाए तो ये फुल्ली ट्रस्टेबल है. और दूसरा तो ये फ्लिपकार्ट से है, तो मतलब चीट का तो कोई, मतलब फ्लिपकार्ट जितना ट्रस्ट है उतना ही आप इसमें ट्रस्ट. वन प्लस थ्री आपको ये मॉडल तो पता ही है, अभी ये मॉडल बंद हो गया, लेकिन इसका जो मार्केट वैल्यू था वो 23,000 के करीब था, जो कि मैंने वेरी गुड कंडीशन में मंगवाया था. और ये करीब मुझे को 7,999 रुपये में, मतलब 8,000 रुपये में लगाते हैं मुझे ये देने के लिए. और अगर आपको इससे भी अच्छा चाहिए सुपर कंडीशन में तो आपको शायद 10,000 के करीब लगेगा, 10,000-11,000. और अगर लाइक न्यू टाइप अगर आप चाहते हैं जो कि परफेक्ट तरीके से आएगा तो वो शायद आपको 15-16 तरीके से, सॉरी 15-16,000 तक भी जा सकता है प्राइस. तो वो भी एक वही है, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से पर्सनल व्यू जो भी लेने के बाद, तो मैं जो भी बता रहा हूँ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि वेरी गुड कंडीशन में अगर इस तरह का प्रोडक्ट आप पा सकते हैं, क्योंकि आप 30,000 का प्रोडक्ट अगर 8,000 में पा सकते हैं एक रुपये का, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि 8,000 में आप 30,000 का प्रोडक्ट पा रहे हैं, वो भी पूरा बिल बॉक्स सब कुछ समेत पा रहे हैं आप, तो और क्या चाहिए. कॉफी स्टाइल में बोलूँ तो और क्या चाहिए. तो गाइस इसकी फीचर्स के बारे में बता देता हूँ. इसका बैक कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, इसका 6 GB का रैम है, 64 GB का रोम है. और इसका एक फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वो है, आपको पता नहीं कैमरे में आया होगा या ये, जो कि है नो डिस्टर्ब और साइलेंट वाइब्रेशन सब किसी पर में होता है, जो कि वन प्लस और आईफोन में ही मिलता है आपको. तो इस प्रोडक्ट के बारे में अगर बताऊँ तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और जो कि गेमिंग लवर है, जैसे कि मैं अगर मैं पबजी खेलता हूँ तो चार्ज में लगा के या कोई से भी खेलूँ तो 2-3 घंटा, 4 घंटा 5 घंटा भी कभी कभार कंटिन्यूसली खेल लेता हूँ, तो गाइस ये फ़ोन हीट भी नहीं होता. तो मैंने बार बार यही बात मेंशन कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. बहुत ही घटिया मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, सॉरी. तो कॉम्प्रोमाइज में मतलब कॉम्प्रोमाइज तो क्वालिटी में बिल्कुल नहीं है, तो ये भी एक बात है. और गाइस अगर आप सच में अगर गेमिंग लवर है ना, इसके लिए भी आपका ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा है, और अगर आप बहुत ही अच्छा है, और अगर आप ज़्यादा प्राइस में ख़रीद भी नहीं सकते, 23,000-24,000 जैसे जैसे बंदे, आप जैसे बंदे, कई लोग बहुत बड़े बड़े हैं, अगर कुछ मुझ जैसे अगर हैं तो,
उन लोगों के लिए मुझे लगता है ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको रिफर्बिश्ड जो में से आपको 8-9 हज़ार में अच्छे अच्छे मोबाइल भी मिल रहे हैं महंगा महंगा, जो कि हम जैसे लोगों की औकात नहीं है उतना ज़्यादा महंगा फोन लेने का। आई थिंक इट्स ए गुड ऑप्शन फॉर अस। गाइस अगर आप भी टू गुड से कुछ भी प्रोडक्ट्स मतलब ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दे देता हूँ कि जो फ्लिपकार्ट के ऐप से है ना, रिफर्बिश जोन के रिफर्बिश जोन में देखिएगा, वहाँ पे ही लिखा होगा, आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका ऐप खुल जाएगा और फिर वहाँ पे आपको रिफर्बिश जोन दिख जाएगा। तो टू गुड का जो अलग से एक ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। क्वालिटी का तो कोई चिंता नहीं है उसका, क्वालिटी मतलब मेरे हिसाब से जितना मेरा देखा है मैंने, तो 60 डेज से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है और क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है गाइस। तो इस बारे में अगर आप लोगों को डाउट है कि क्वालिटी कैसा होगा, तो चिंता मत कीजिए, और ये तो फ्लिपकार्ट का ही एक ऐप है, तो मतलब आपको ट्रस्ट का तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। दैट्स इट गाइस, यही था वीडियो टू गुड के बारे में, जितना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ उतना तो आप लोगों को बताया था। अगर वीडियो में देख के अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी 0.1% भी अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला होगा, तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं हर वीडियो में बोलता ही रहता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, तो आप कोई भी वीडियो मिस करेंगे। तो रहिए, टाटा बाय बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।